नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। हरदौल मंदिर की सीमा में अवैध अतिक्रमण के मामले में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में भारी संख्या में लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि हरदौल मंदिर आस्था का केंद्र है, अवैध कब्जे और निर्माण को तुरंत हटाएं और अतिक्रमण हटाने के बाद समिति का गठन किया जाए जिससे मंदिर का रखरखाव हो। ज्ञापन कलेक्टर के नाम से तहसीलदार नितेश भार्गव को सौंपा गया। हरदौल लाला हरदौल जी के मंदिर पर पिछले कई दिनों से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हिंदू समाज के नेतृत्व में वहां के लोकल निवासियों के साथ में हिंदू समाज के नेतृत्व में आज प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि मंदिर पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको मुक्त कराया जाए, मंदिर की भूमि का सीमांकन कराया जाए। व प्रशासन से हमारी मांग है कि मंदिर की एक समिति प्रशासन के द्वारा गठित की जाए जिससे मंदिर का मंदिर की सेवा एवं मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें और आगे ऐसे वहां पर लोग एक्टिव ना हों जो अतिक्रमण कर सकें, जिससे हमारे पुरातत्व विभाग में हमारे जो लाला हरदौल जी हैं, हमारे घर में कोई भी ऐसी शादी विवाह, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें पहले उन्हें बुलाया जाता है उसके बाद अपन शादी विवाह संपन्न कराते हैं, तो इसीलिए अगर हमारा मंदिर ही नहीं बचेगा तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको सबसे पहले अपना एक मंदिर बचाना है, उसके बाद ऐसे किसी भी जगह पूरी दतिया में कहीं भी मंदिरों पे, मंदिरों की भूमि पे अतिक्रमण ना हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है, हिंदू समाज को सबको प्रयास करना है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है।